जॉन जोन्स, जो अपने ब्रदर और नो और फ्रेंड्स के साथ एक गुफा में केविंग करने के लिए जाते हैं, और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जॉन गुफा की एक पतली सकरी दरार में फंस गया है। 27 घंटों तक उसे बचाने की नाकाम कोशिशें की जाती है और आखिरकार वो नहीं बच पाता है। तो आखिर जॉन के साथ उस गुफा में क्या हुआ था जिसकी वजह से वो उसमें फंस गया? इस रियल एक्सीडेंट स्टोरी को जानने के बाद मुझे इसके लिए बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि जब ये उस सकरी दरार में फंसा हुआ था और तड़प रहा था, फिर भी जब इससे बात की गई तो ये मुस्कुराकर बात कर रहा था। जॉन जोन्स, जो कि 26 साल का था, मैरिड था और एक बच्चे का पिता था, और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट की पढ़ाई कर रहा था। नवंबर 24, 2009, जॉन और उसका भाई जिसका नाम जोस था, ये दोनों गुफाओं के प्रति अपने प्यार को वापस से जगाने के लिए और गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए प्लानिंग करते हैं, और इस बार ये चुनते हैं नट्टी पुट्टी केव को। जब जॉन और जोस छोटे थे तब उनके फादर उन्हें गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए ले जाते थे, और तभी से इनके अंदर गुफाओं के लिए इंटरेस्ट जागा था। तो ये दोनों भाई और इनके नो और फ्रेंड्स इस नट्टी पुट्टी केव के लिए निकल जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उसमें केविंग करने लगते हैं। ये एक के पीछे एक रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे था जॉन, उसके पीछे उसका भाई जोस, और बाकी सब पीछे थे। एक घंटे तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन तभी जोस को पता चलता है कि उसका भाई जॉन उस गुफा की एक पतली दरार में फंस गया है। तो वो तुरंत रेंगते हुए बाहर आता है और अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है। जोस एक बार फिर अपने भाई को बचाने के लिए इस गुफा के अंदर जाता है, और वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, और वो थोड़ा उसे ऊपर खींच भी लेता है, लेकिन तभी जोस के हाथ फिसल जाते हैं और जॉन और भी नीचे फंस जाता है। जॉन को बाहर निकाल पाना इतना मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि वो उस गुफा में उल्टा फंसा हुआ था, यानी कि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो चलो अब देखते हैं कि सब कुछ पता होते हुए भी ये इस दरार में फंस कैसे गया। जॉन की सबसे बड़ी गलती थी एक रॉन्ग टर्न लेना। इन सभी लोगों को बर्थ कैनाल वाले रास्ते से रेंगते हुए जाना था, जो एक बड़े रूम की तरफ ले जाता है। बट आई डोंट नो कि जॉन के साथ क्या हुआ कि वो बर्थ कैनाल वाले रास्ते पर ना जाके जस्ट उसके बगल वाले रास्ते स्कूट ईटर में रेंगने लगता है और उसमें गिरकर फंस जाता है। अब ये वाला रास्ता कहीं पर भी नहीं जाता है और आगे जाकर ये और भी ज्यादा सकरा हो जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हो कि जॉन अभी किस पोजीशन में फंसा हुआ था। अभी आधी रात हो जाती है और यहाँ पर पहली रेस्क्यूअर पहुंचती है, सुजैन। ये यहाँ की लोकल रेस्क्यूअर है जो मैसेज मिलते ही सब कुछ छोड़कर यहाँ पर पहुंच जाती है। ये बहुत पतली और हल्की होती है, तो फटाफट रेंगते हुए जॉन के पास पहुंच जाती है और जॉन से कहती है, हाय जॉन, मैं हूँ सुजी, ये सब कैसा चल रहा है? जिसके रिप्लाई में जॉन कहता है, यहाँ आने के लिए धन्यवाद, पर मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे प्लीज बाहर निकालो। कुछ घंटों में यहाँ पर 10 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर पहुंच जाते हैं। ये सब जॉन को बाहर निकालने के लिए प्लेन बनाते हैं, तरकीबें लगाते हैं, यहाँ तक कि उस गुफा में ड्रिल भी करते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद ड्रिल करना बंद कर देते हैं क्योंकि इससे जॉन को चोट भी लग सकती थी। अब इनमें से एक रेस्क्यूअर गुफा के अंदर जाता है और जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर बाहर आता है, और फिर ये सभी रेस्क्यूअर्स उस रस्सी को बाहर खींचते हैं, लेकिन इससे जॉन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी देर रुककर उसे बाहर खींचते हैं, क्योंकि वो उल्टा फंसा हुआ था, इसलिए उसकी पूरी बॉडी का ब्लड उसके सर की तरफ फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, और ऐसे ही 19 घंटे बीत जाते हैं। सभी लोगों के चेहरों पर राहत तब आ जाती है जब तीसरी बार जॉन को ऊपर खींचने पर उसे इतना ऊपर खींच लिया जाता है कि उसके बचने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। उससे बात भी की जाती है, वो बहुत थका हुआ लग रहा था, उसका मुंह और आंखें लाल थी, और वो इस बार फिर कहता है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, और ये सब कहते हुए भी उसके मुंह पर मुस्कान थी। इतनी दर्दनाक और बुरी सिचुएशन में होते हुए भी वो बंदा मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी पत्थर के ऊपर घिसने की वजह से रस्सी टूट जाती है और एक जोरदार आवाज आती है और धूल उड़ने लगती है, क्योंकि जॉन का सर बहुत तेजी से नीचे टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है, और अब वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उसे चेक करने के लिए डॉक्टर को गुफा के अंदर भेजा जाता है। चेक करने के बाद डॉक्टर गुफा के बाहर आकर जॉन को डेड अनाउंस कर देता है, और अभी 27 घंटे बीत चुके थे और अभी तक यहाँ पर 137 रेस्क्यूअर पहुंच चुके थे, लेकिन सभी को निराश और खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले 26 सालों में ये उनका सबसे हार्ड रेस्क्यू था, जिसके बाद जॉन की बॉडी के साथ इस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। तो हाँ, वीडियो एंड हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस चैनल पर अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी।